केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे। वहीं शिमला स्थित होटल पीटरहॉफ पहुंचने पर स्वागत करते पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, करण नंदा, महेंद्र धर्माणी ने उनका भव्य स्वागत किया। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कुटलहर विधानसभा क्षेत्र के कोटलाकला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कुटलहर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक शर्मा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जनता से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। शिमला में टूटीकंडी के समीप जंगल में लगी आग बालिका आश्रम तक पहुंची। इस आगजनी से रिहायशी इलाकों को भी खतरा पैदा हो गया है। जिला चंबा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते जागरूकता वाहन के माध्यम से भी ग्रामीणों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पुलिस व निर्वाचन विभाग द्वारा गठित टीम ने मेन बाजार पपरोला में पुलिस व निर्वाचन विभाग द्वारा गठित टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक कार से तलाशी लेते समय 1 किलो 800 ग्राम चरस बरामद की। फिलहाल पुलिस द्वारा कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डेरा बाबा रुद्रानंद जी कुटलहर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा को संबोधित किया। ज्वाली विधानसभा के गांव अमनी से ताल्लुक रखने वाले बीएसएफ जवान भाग सिंह का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। भाग सिंह बीएसएफ हेडक्वार्टर टेकनपुर में बतौर उपनिरीक्षक तैनात थे। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। उन्होंने ननखड़ी, टापरी और रोहडू में चुनावी जनसभाएं की। प्रदेश में गर्मी से सभी हाल बेहाल। सोमवार का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इस बार गर्मी से सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मंडी जोगिंदर नगर में एक निजी स्कूल बस और ट्राले के बीच भीषण टक्कर हुई। इस हादसे के दौरान बस चालक सहित स्कूली बच्चे घायल हुए, जिनका जोगिंदर नगर अस्पताल में उपचार जारी है। रोहडू में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर बरसे, साथ ही प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। जिला लाहौल स्पीति में मतदाता जागरूकता गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर अनेक प्रकार से मतदाताओं को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तांदी संगम के बाम तट पर जिला आयुष विभाग ने योगाभ्यास के द्वारा स्वस्थ चित्त योग से 100% मतदान का संदेश दिया। प्रदेश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने घर हिमाचल प्रदेश में केवल राजनीतिक पर्यटक बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिनों में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल के लोगों से वोट मांगने के लिए आते हैं और इतने बड़े पद पर रहते हुए भी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करने में नाकाम रहे हैं। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष बी आर कोंडल ने कहा कि केंद्र की सरकार व पूर्व की जयराम सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सरकार ने फोरलेन प्रभावित किसानों की जमीन के सर्कल रेट कम करके एवं बिना 4 गुना मुआवजा दिए हिमाचल के किसानों के साथ विश्वासघात किया है। बिलासपुर जिला पुलिस की विशेष टीम ने नाकाबंदी के दौरान 3 युवकों को 30.75 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ स्वारघाट थाना में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। विकसित भारत 2047 पर शिमला में प्रबुद्ध लोगों से केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने संवाद किया। लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की 150 से अधिक बसें बुक की गई हैं। इन बसों में मतदान केंद्रों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को ले जाने और वापस लाने का जिम्मा है। वहीं मंगलवार को 30 बसें आनी, बंजार, मनाली और कुल्लू के विभिन्न मतदान केंद्रों की ओर रवाना की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हिमाचल समन्वयक अमृत गिल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नफरत का बाजार फैलाया है और इस बार भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। दहाड़ सुनने को मिलेगी। 29 मई को ढालपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनीतिक दल जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के चलते मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंडी में आयोजित नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उपमंडल बंगाणा क्षेत्र के तहत पड़ती रेंज के तहत बुहाना कोकराचडोली के मध्य शरारती तत्वों द्वारा आग लगाई गई। इस आग से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। वहीं कोकरा के युवाओं ने मिलकर इस आगजनी से कई घरों को सुरक्षित बचाया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने गगरेट में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। कुल्लू जिला में मतदान को लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं जिला में इस बार 2800 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। पहाड़ों में आग का कहर जारी। 24 घंटे में प्रदेश भर में जंगल की आग की 62 नई घटनाएं हुई। इनमें 650 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। अब तक आग की घटनाओं का आंकड़ा 958 तक पहुंचा। अभी फायर सीजन खत्म होने में करीब 20 दिन बाकी हैं। इस सीजन में अब तक कुल 9177.02 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। सिरमौर जिला के उपमंडल पामटा साहिब में पड़ रही भीषण गर्मी व विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आगामी 3 दिनों तक स्कूलों में छुट्टी करने के आदेश जारी किए हैं। निर्णय के अनुसार उपमंडल के सरकारी व निजी स्कूलों में 29 मई से 31 मई तक अवकाश घोषित किया गया है। एम्स बिलासपुर में पल्मोनरी मेडिसिन समेत 4 अन्य विभागों में शीघ्र ओपीडी सुविधा शुरू होगी।
एम्स प्रबंधन ने चारों विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद भरने की तैयारी की है। वहीं वर्तमान में 21 विषयों में प्रशिक्षु पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि नारा देना आसान था, मैं एक लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। लेकिन प्रियंका गांधी कभी लड़कियों के लिए नहीं लड़ी और न ही उनके लिए खड़ी हुई। प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए हैं कि टैंकरों के माध्यम से चौपाल में 7 गांव के निवासियों को पीने का पानी मुहैया करवाया जाए। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं, पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी, हिमाचल प्रदेश।